गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। मेरा नाम करण अरोड़ा है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको एज एन ऑफिसर लेवल एयर फोर्स के अंदर एंट्री की है तो उसके क्या क्या वेज है। देखो दोस्तों, दो वेज है, एक तो रिटन एग्जाम्स के साथ और एक है बिना रिटन एग्जाम के। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम रिटन एग्जाम के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहला रिटन एग्जाम के साथ वे है नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA। सबसे पहले इसके अंदर आपको दोस्तों NDA के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसका फिर एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर SSB इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा, फिर उनका मेडिकल्स क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ टाइम इनके मेरिट लिस्ट की वेट करनी पड़ेगी, उसके बाद होगी आपकी ज्वाइनिंग। दोस्तों NDA के अंदर आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होगी खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में, और 3 साल की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी 1 साल की और ट्रेनिंग होगी एयरफोर्स अकेडमी में। दोस्तों NDA ज्वाइन करने के सिर्फ 2 ही वे हैं, पहला रिटन एग्जाम और दूसरा उसका इंटरव्यू। दोस्तों NDA का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। पहले पेपर के बाद आपकी 1.5 घंटे की ब्रेक होगी, उसके बाद आपका अगला पेपर स्टार्ट होगा। पहला पेपर होगा 10 से 12:30 जो मैथमेटिक्स का होगा, 300 मार्क्स का, और अगला पेपर होगा 2 से 4:30 तक जर्नल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसे GK भी कहते हैं, जो 600 मार्क्स का होगा। पर क्लियर करने के लिए आपको इनके कट ऑफ जितने मार्क्स तो लेके आने ही पड़ेंगे। दोस्तों इसके अंदर 20-30% आ ही जाते हैं लोगों के, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर अगर पेपर आपको क्लियर करना है इनकी कट ऑफ जितने मार्क्स लेकर आने ही पड़ेंगे, और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। NDA का पेपर साल में 2 बार होता है, एक बार अप्रैल में, एक बार सितंबर में। अप्रैल की नोटिफिकेशन आपको दिसंबर और जनवरी में आ जाती है, और सितंबर की नोटिफिकेशन आपको मई या जून में आ जाती है। आप इसको अप्लाई इनकी साइट पर जाके कर सकते हैं जो है www.upsc.gov.in। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी उम्र कम से कम 16.5 साल और ज्यादा से ज्यादा 18.5 साल होनी चाहिए। इसमें आपकी +2 साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटी या आपके पास डिप्लोमा हो तो वो चलेगा, और अगर आप अभी +2 में पढ़ भी रहे हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सिर्फ मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अलाउड है, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका SSB का इंटरव्यू होगा। अगर आपने SSB का इंटरव्यू क्लियर कर लिया फिर आपको मेडिकल्स के लिए भेजा जाएगा, और अगर आपने मेडिकल्स भी क्लियर कर लिया फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट में भेज दिया जाएगा। 3 साल की ट्रेनिंग खड़कवासला में होगी, और आपको इसके अंदर आपकी डिग्री JNU से मिलेगी, और बाकी आपका जो भी खर्चा होगा सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी। आपको हर मंथ स्टाइफेंड मिलेगा, और जब आप ऑफिसर लग जाओगे आपकी सैलरी कम से कम 80,000 होगी। अगला वे है रिटन एग्जाम्स के साथ CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस। सबसे पहले आपको CDS के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको उनका एग्जाम पास करना पड़ेगा, फिर आपको SSB के लिए अपीयर होना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेडिकल्स क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको मेरिट लिस्ट की थोड़ी वेट करनी पड़ेगी, और आखिरी में होगी आपकी ज्वाइनिंग। इसके अंदर आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी एयरफोर्स अकेडमी में जो तेलंगाना में है। CDS के भी 2 ही वे है, एक है रिटन एग्जाम और दूसरा है इसका इंटरव्यू। इसका पेपर भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ, और इसके अंदर आपके 3 एग्जाम्स होंगे जो 1-1 घंटे की ब्रेक के बाद होंगे। सबसे पहला एग्जाम आपका होगा इंग्लिश का 9 to 11 जो 100 मार्क्स का होगा, और अगला एग्जाम होगा आपका 12 to 2 जनरल नॉलेज का, वो भी 100 मार्क्स का होगा। उसके अगला एग्जाम होगा आपका 3 to 5 मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स का। दोस्तों इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको इनकी कट ऑफ जितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, और इस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। CDS का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक बार फरवरी में, एक बार नवंबर में। फरवरी की नोटिफिकेशन डेट आपको नवंबर दिसंबर में मिल जाती है, और नवंबर की नोटिफिकेशन डेट आपको अगस्त और सितंबर में मिलती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी उम्र कम से कम 19 साल और ज्यादा से ज्यादा 23 साल की होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अपीयर कर सकता है, पर एयरफोर्स के लिए आपकी +2 में फिजिक्स मैथ्स होना जरूरी है। और दोस्तों अनमैरिड मेल ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। इसके अंदर भी दोस्तों एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका SSB का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल्स होगा, मेडिकल्स क्लियर हो गया तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में भेज दिया जाएगा। दोस्तों इसकी ट्रेनिंग के अंदर जो भी खर्चा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, आपको हर महीने स्टाइफेंड दिया जाएगा, और जब आप ऑफिसर लग जाओगे आपकी सैलरी कम से कम 80,000 होगी। तो तीसरा वे है FCAT एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके लिए भी आपको FCAT के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इसका एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको AFSB के इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेडिकल्स क्लियर करना पड़ेगा, फिर इसकी मेरिट लिस्ट की वेट करनी पड़ेगी, फिर होगी आपकी ज्वाइनिंग। इसकी ट्रेनिंग एयरफोर्स अकेडमी जो धुंधीगल में है वहां होती है, और FCAT के अंदर भी 2 ही वे है, एक है रिटन एग्जाम और एक है इनका इंटरव्यू। इनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है जिसमें एक ही पेपर होता है, और पेपर होता है सुबह 9:45 से 11:45 तक मॉर्निंग बैच, और आफ्टरनून बैच का होता है 2:45 से 4:45 तक। पेपर के अंदर इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सारे होते हैं, और 300 मार्क्स का पेपर होता है। इसको क्लियर करने के लिए आपको इनके कट ऑफ जितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, और इस पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। FCAT का पेपर साल में 2 बार होता है, एक बार फरवरी, एक बार अगस्त में। फरवरी की नोटिफिकेशन आपको नवंबर और दिसंबर में आ जाती है, और अगस्त की नोटिफिकेशन आपको जून जुलाई में आती है। बात करें एलिजिबिलिटी की तो आपकी उम्र 20 से 24 साल होनी चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए,
और 20 से 26 साल होने चाहिए टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी के लिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके 60% मैथ्स और फिजिक्स में होने चाहिए प्लस टू लेवल पे, और ग्रेजुएशन में आपके 60% होने चाहिए। और PABT कंपलसरी है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। टेक्निकल ब्रांच के लिए आपके 60% मैथ्स और फिजिक्स में होने चाहिए प्लस टू लेवल पे, और आपकी BTEC और BE में 60% होने चाहिए। EKT कंपलसरी है टेक्निकल ब्रांच के लिए, और ग्राउंड ड्यूटी के लिए 60% आपके किसी भी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो मैरिड है वो 25 साल से अगर ऊपर है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसका एग्जाम क्लियर किया तो आपको AFSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपने वो क्लियर कर दिया आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और अगर आपने मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर कर दिया आपका नाम मेरिट लिस्ट तक पहुंचा दिया जाएगा, और फिर मेरिट लिस्ट के बाद आपकी होती है ज्वाइनिंग। फ्लाइंग ब्रांच और टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी वालों की ट्रेनिंग होती है 74 वीक्स की, और नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी वालों की ट्रेनिंग होती है इसके अंदर 52 वीक्स, और इसमें भी आपका सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी। आपको हर महीने स्टाइफंड मिलेगा, और जब आप ऑफिसर लग जाओगे आपकी सैलरी कम से कम 80,000 होगी। और अगर आपने डायरेक्ट ऑफिसर लेवल की पोस्ट के लिए बिना किसी रिटन एग्जाम के एंट्री लेनी है तो उसके अब मैं वेज बताने वाला हूँ। सबसे पहला वे है उसका NCC स्पेशल एंट्री। NCC स्पेशल एंट्री NCC के कैडेट्स के लिए है, जो उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है ताकि वो डायरेक्ट SSB के इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सके, और उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है उनके एकेडमिक स्कोर्स को देख के। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी उम्र कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 24 साल की होनी चाहिए। और इसके अंदर अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपके प्लस टू के अंदर कम से कम 60% मैथ्स और फिजिक्स में होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के अंदर भी 60% आपके होने चाहिए। इसके लिए आप अप्लाई साल में दो बार कर सकते हैं, अक्टूबर मार्च या अप्रैल सितंबर। अक्टूबर मार्च की नोटिफिकेशन जून तक आ जाती है, और अप्रैल सितंबर की नोटिफिकेशन दिसंबर तक आ जाती है। और इसको आप अप्लाई इनकी वेबसाइट पे जाकर www.careerairforce.nic.in पर कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एकेडमिक स्कोर्स को देखकर, और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको AFSB के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपने वो क्लियर कर लिया फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और अगर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो गया तो आपका नाम मेरिट लिस्ट तक भेज दिया जाएगा। एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच की ट्रेनिंग 74 वीक्स की होती है, और मेट्रोलॉजिकल ब्रांच की 52 वीक्स की। इसके अंदर जितना भी खर्चा होगा सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। आपको हर मंथ स्टाइफंड दिया जाएगा, और आप जब ऑफिसर लग जाओगे आपकी सैलरी कम से कम 80,000 होगी। तो दोस्तों दूसरी एंट्री की बात करते हैं, वो है मेट्रोलॉजी एंट्री। मेट्रोलॉजी एंट्री की एलिजिबिलिटी है कि आपकी उम्र कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 26 साल की होनी चाहिए। अनमेरिड मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। मेरिड कैंडिडेट्स अगर 25 साल से ऊपर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात एजुकेशन की करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में जो सामने स्क्रीन पे आपके पास आ रहे हैं। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए। आपके मैथ्स और फिजिक्स में दोनों में 55% मार्क्स तो होने ही चाहिए। इसके लिए भी आप अप्लाई साल में दो बार कर सकते हैं, अक्टूबर मार्च अप्रैल सितंबर। अक्टूबर मार्च की नोटिफिकेशन जून में आ जाएगी, अप्रैल सितंबर की नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाएगी। और आप जब अप्लाई करोगे फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होगे आपको AFSB की इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आपने AFSB का इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो आपको फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, और अगर आपने मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट तक भेज दिया जाएगा। मेट्रोलॉजी ब्रांच के अंदर आप जितनी भी सैटेलाइट रिलेटेड या वेदर रिलेटेड चीजें होगी आप वो हैंडल करोगे। के अंदर आपका सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी। आपको हर मंथ स्टाइफंड दिया जाएगा, और जब आप ऑफिसर लेवल पे लग जाओगे आपकी सैलरी कम से कम 80,000 होगी। तो दोस्तों ये सारे वेज थे जिसके थ्रू आप एयरफोर्स के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इसकी नॉलेज मिले, और नीचे सब्सक्राइब और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली वीडियो बनाऊं आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। आप सबको बेस्ट ऑफ लक।